गुड मॉर्निंग। एसएससी सीएचएसएल 2018 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके टीयर टू के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं और मार्क्स आने बाकी हैं। ये रिज़ल्ट ऐसे समय पर आया है कि सीएचएसएल 2018 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ स्किल टेस्ट क्लियर करने का प्रेशर और दूसरी ओर सीजीएल 19 और सीएचएसएल 19 में टीयर वन के एग्ज़ाम्स, दोनों ही टाइम टेकिंग हैं और दोनों के लिए समय बहुत ही कम बचा है। अगर टाइपिंग को समय देते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी प्रभावित होती है, और अगर एग्ज़ाम की तैयारी में समय देते हैं तो टाइपिंग प्रभावित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट करके पूछा है कि इस परिस्थिति में वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो इसी समस्या को डिस्कस करने एवं इसका एक लॉजिकल सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रख रहा हूँ। ये एसएससी सीएचएसएल 2018 की कट ऑफ है, टीयर वन की, टीयर टू की, और दोनों के बीच में गैप कितना है। देखिए, अनरिजर्व की कट ऑफ टीयर वन में 135.6 थी और टीयर टू में 190.3, इसका गैप 55 मार्क्स का। तो ये जो 55 मार्क्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव के हैं। डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स को टीयर वन में जोड़ करके टीयर टू की कट ऑफ बनाई गई है। ऐसे ही ओबीसी की कट ऑफ टीयर वन की 133.74 और टीयर टू की 167.07 है, इसका गैप 33 मार्क्स। यानी डिस्क्रिप्टिव का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वहाँ तक कट ऑफ को लो किया गया है कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराने के लिए। ऐसे ही आप देखें कि एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस तीनों ही कैटेगरी में यही स्थिति है कि गैप जो आ रहा है 34 34 34, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन चारों ही कैटेगरीज में कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराने के लिए डिस्क्रिप्टिव के क्वालिफाइंग मार्क्स तक जाना पड़ा है, तब जा करके 30,822 कैंडिडेट्स अवेलेबल हो पाए हैं। अब चलिए एक फिगर आपको और दिखाता हूँ। 2018 में 45,000 कैंडिडेट्स टीयर वन में थे, जिसमें से 30,822 कैंडिडेट्स को टीयर टू में क्वालिफाई कराया गया है। इन 30,822 कैंडिडेट्स में ऐसे कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया है उनकी फिगर आप देखिए। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो हैं 190 प्लस हैं, ये डाटाज आयोग की वेबसाइट पर हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 5,577 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी में 6,816 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 3,507 कैंडिडेट हैं, एससी में 1,326 कैंडिडेट्स हैं। इन कैंडिडेट्स ने अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई किया है, इसका मतलब इन कैंडिडेट्स के मार्क्स 190 प्लस हैं। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में 445 कैंडिडेट हैं। तो इनका अगर टोटल करें तो टोटल 17,670 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 30,822 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 190 प्लस हैं। और यही वो फिगर है जिससे आपको भय लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि अगर 17,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 190 प्लस हैं तो लो मार्क्स वालों का सिलेक्शन कैसे होगा? तो यही वो फिगर है
यही वो सिनेरियो है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आप इसके वजह से परेशान हो रहे हैं, जबकि ये आपका भ्रम है। आप सिक्के का एक ही पहलू देख पा रहे हैं। आप दूसरी तरह से समझिए कि 50% वैकेंसीज के सापेक्ष, 50% वैकेंसीज के सापेक्ष 17,670 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, और बाकी जो 50% वैकेंसीज हैं उन 50% वैकेंसीज के लिए कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं? कुल 13,000। भाई टोटल 30,822 है, 17,670 माइनस कर दीजिए तो जो 13,000 कैंडिडेट्स हैं ये बाकी 50% वैकेंसीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो फिर लो किधर हुआ, 190+ के ऊपर वालों में या 190 से नीचे वालों में? भाई सीधी सी बात है, 50% वैकेंसीज 17,670 कैंडिडेट्स, और 50% बाकी वैकेंसीज में 13,000 कैंडिडेट्स। तो जो 50% है आरक्षित वर्ग की सीटें, उनमें 13,000 ही कैंडिडेट जब फाइट करेंगे तो लो मार्क्स वालों को चांस तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात पर आइए, कैंडिडेट्स कितने हैं? 30,000, और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि सीजीएल में आप देखिए, सीजीएल 18 में 3,000 वैकेंसी बढ़ गई, एमटीएस 19 में भी लगभग 3,000 वैकेंसीज बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे ही सीएचएसएल 2018 की वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, भले ही लास्ट मोमेंट पर बढ़ें लेकिन वैकेंसीज बढ़नी है। अब आप सपोज करिए कि अगर 2,000 वैकेंसीज भी बढ़ी तो कितने कैंडिडेट्स को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा? लगभग 19-20 हज़ार कैंडिडेट्स को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। और टाइपिंग का रिजल्ट क्या रहता है, आपको अच्छे से मालूम है कि ऑलमोस्ट 50% ही कैंडिडेट्स जो है टाइपिंग को क्लियर कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। तो 15,000 कैंडिडेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और आपको ज़रूरत कितने की है? 19,000 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है अगर वैकेंसी 2,000 बढ़ जाती है तब। अगर नहीं बढ़ती तब भी 15,000 की तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, और कैंडिडेट्स भी आपके पास कुल 15,000 मिल रहे हैं, वो भी उस स्थिति में जबकि 50% कैंडिडेट्स टाइपिंग को क्वालिफाई कर लें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, टीयर टू का रिजल्ट आने के पहले कि सुटेबल कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिलने वाले, और आप देखें कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराने के लिए डिस्क्रिप्टिव के मिनिमम मार्क्स तक ले जाना पड़ा। हालात यही होंगे कि डीवी के लिए भी सुटेबल कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिलने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में लो मार्क्स वालों के लिए पूरा चांस है, केवल और केवल टाइपिंग क्वालिफाई करना है। अब मैं आपको अपने विचार नहीं रखूंगा, आपके ही एक साथी का कमेंट आपके सामने रखूंगा, इससे आपको मेरी बात समझने में बहुत सुविधा होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कमेंट क्या है। देखिए ये आपके ही किसी साथी का, आपके ही किसी फ्रेंड का कमेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ आप समझिए। मैनी ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन CHSL 18 आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इन देयर न्यू अलॉटेड डिपार्टमेंट्स ड्यू टू देयर सिलेक्शन इन CGL 17 एंड CHSL 17। यानी CHSL 2018 में जो कैंडिडेट्स सफल हुए हैं उनमें बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अपने नए अलॉटेड डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग के प्रोसेस में बिजी हैं। सो देयर विल बी अराउंड 50% कैंडिडेट्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू डीवी, तो इसलिए 50% कैंडिडेट्स ही जो है वो डीवी के लिए अपियर होंगे। सेम वॉज द केस CHSL 17। बिल्कुल यही स्थिति CHSL 2017 में आई थी,
वेयर मोर देन 12,000 कैंडिडेट डिडंट टर्न अप फॉर डीबी, जबकि जहाँ की 12,000 कैंडिडेट जो है वो डीबी के लिए अपीयर ही नहीं हुए। बट दिस टाइम अराउंड 15,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वोंट गो फॉर डीबी, जबकि इस बार लगभग 15,000 सफल कैंडिडेट जो हैं वो डीबी के लिए नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू न्यू कैंडिडेट्स हु हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू हाई कट ऑफ मार्क्स। तो इससे उन कैंडिडेट्स को जो कि लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और हाई कट ऑफ मार्क्स की वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस मिलने वाला है। गॉड ब्लेस ऑल। तो ये था कमेंट, और आप इसे समझ लें, स्थिति वस्तु स्थिति बिल्कुल यही होने वाली है। डीवी के लिए कैंडिडेट्स ढूंढे से नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अगर आपके, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है कि अगर कट ऑफ मार्क्स जो टीयर टू की आई है, आप अपने मार्क्स आने का वेट करें, आपके मार्क्स जब आ जाएं तो आप टीयर वन और डिस्क्रिप्टिव दोनों के मार्क्स को ऐड कर कर देखिए कि आपके मार्क्स अगर कट ऑफ से 5-6 मार्क्स प्लस हैं तो आप 100% टाइपिंग की तैयारी करें, आपका डेड श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर इससे कम है, मार्जिनल है, तो फिर आप जो है तैयारी करें टीयर वन की, CHSL 19 और CGL 19 की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के मन में जो है एक नवीन आशा और उत्साह का संचार हो और वो अपना टाइपिंग की तैयारी करें और सिलेक्शन लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू।